हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे वर्क कर रहा है, तो मैं इसको बनाना सिखाऊंगा आज। तो एक आपको इस तरह का पुराना ड्रिल मशीन या कोई ख़राब लेना है, उसमें से आपको इसका ये वाला निकाल लेना है। इस तरह से आपको इसका निकालने के बाद इसको सब पार्ट्स हटा देना है। इस तरह से आपको हटा देना है सबको। इसको हटाने के बाद आपको एक बैरिंग ले लेना है इस तरह का। इस तरह से आप इसमें वेल्डिंग कर दीजिए। इस तरह से मैं इसमें वेल्डिंग कर दे रहा हूँ। इस तरह से आपको इसमें अच्छे से वेल्डिंग कर देना है ताकि ये टेढ़ा नहीं हो। ये आपको एकदम बढ़िया से सीधा करना है वेल्डिंग। तो देख सकते हैं मैं इसको वेल्डिंग कर दिया हूँ, काफ़ी बढ़िया से काम कर रहा है। इस तरह का आपको फेरबिल लेना है। फेरबिल दो ठो लेना है आपको, और इसको दोनों तरफ जाम कर देना है। इस तरह से आपको वेल्डिंग करना है इसको ताकि ये घूमेगा नहीं, ये जाम हो जाएगा। इस तरह से मैं इसको वेल्डिंग कर दिया हूँ दोनों को। देख सक रहे हैं जैसे ये हिलने नहीं दे रहा इसको आप। और इस तरह से आपको एक वॉशर लेना है इसके साइज का, और इसमें आपको लगा के इसको इस तरह से और वेल्डिंग कर देना आपको इसमें भी लगा के। तो देख सकते हैं मैं इसमें इस तरह से वेल्डिंग कर दे रहा हूँ। ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा आपका। तो इस तरह से मैं इसमें भी वेल्डिंग कर दिया हूँ इसका सॉफ्ट में। इस तरह से आपको वेल्डिंग कर देना है। ये फिक्स हो गया है, देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको घिस लेना है। देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा घिस दिया हूँ, या क्लीन हो गया है थोड़ा। इस तरह का आपको एक ड्रॉअर बैरिंग लेना है, और आपको इसको इसके ऊपर लगा देना है ताकि ये इसका फ्री होके इसमें घूमेगा। इस तरह से आपको सॉफ्ट लगा के इसमें वेल्डिंग करना है। तो इस तरह से मैं वेल्डिंग करते रहा हूँ। तो देख सकते हैं मैं इस तरह से इसमें वेल्डिंग कर दिया हूँ। ये आपको कंप्लीट हो गया। अब इसका सॉफ्ट में इसको कर देना है आपको कंप्लीट। तो देख सकते हैं मैं इसको पूरा फिक्स कर दिया हूँ। ये आप घूमने में बनेगा, देख सकते हैं। इसमें आपको इस तरह से फंसाना है, और इस तरह से ताकि ये आपका नीचे वाला भी इससे घूमे। इस तरह से आपको थोड़ा सा बढ़ा के आपको कटिंग कर लेना है। इस तरह से मैं इसको कटिंग कर लिया हूँ। तो देख सकते हैं मैं इसको कटिंग करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर वेल्डिंग कर देना हूँ। इसको आपको इसका बैरिंग में एक ठो वेल्डिंग करना है आपको। तो इस तरह से मैं इसको वेल्डिंग कर दिया हूँ बैरिंग में इसका एक ठो। इस तरह से आपको एक वेल्डिंग करना है। इसके बाद आपको इसमें नापी करके आपको अच्छे से काट लेना है। तो देख सकते हो इस तरह से आपको इसको नापी करना है, और इसके बराबर से काट लेना है आपको। तो इस तरह से देख सकते हैं मैं इसको धागे देख के काट ले रहा हूँ। तो ये आपको बढ़ गया है। इस तरह से आपको कटिंग करके इसमें इस तरह से लगाना है आपको। इस तरह से आपको लगाने के बाद इसमें इस तरह से वेल्डिंग कर देना है। इस तरह से मैं इसको वेल्डिंग कर दिया हूँ। ये आपको पूरा मजबूत से हो गया। ये अब आपको हिलने भी नहीं देगा। इस तरह से अब आप आराम से इसको घुमा सकते हैं। तो देख सकते हैं यह कितना बढ़िया से घूम रहा है। इस तरह से आप इसको घुमा सकते हैं, और यहाँ से आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट दीजिए। इस तरह से मैं इसको काट दिया हूँ, देख सकते हैं। अब ये कितना बढ़िया से आपको घूमने में बन रहा है। और इस तरह का आपको एक ठो लेना है, और इसमें वेल्डिंग कर देना है। ये आपका पुराना कटर मशीन में निकलेगा, आप उसमें से लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं इसको वेल्डिंग करके उसमें फिक्स कर दिया हूँ। इस तरह का आपको एक ठो एल बना के इसमें वेल्डिंग कर देना है। तो इस तरह से मैं इसको एल बना के वेल्डिंग कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं। इसको मैं वेल्डिंग कर दिया हूँ, देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसको चला के दिखा दे रहा हूँ या कितना बढ़िया से वर्क कर रहा है। इसमें आप थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए ताकि ये फ्री थोड़ा हो जाए। देख सकते हैं आप, आपका पूरा फ्री हो गया है। काफ़ी बढ़िया से आप वर्क कर रहा है। इस तरह का आपको एक ठो बेट लेना है। आप इसमें कोई भी बेट लगा सकते हैं। फ़िलहाल तो मेरे पास यही बेट था, तो इसको मैं लगा के आपको दिखा दिया हूँ। तो देख
कर सकते हैं, ये काफ़ी आसानी से आप इसको चेक कर सकते हैं। हाथ से भी आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको दीवार से भी चेक कर सकते हैं, किसी बीबी के पाँच से भी चेक कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो समझ में होल एक दो सौ फोन पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कितना बढ़िया से वर्क करता है। देख सकते हैं, ये देखिए पूरा होल कर दिया है। देख सकते हैं इसको भी पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ होल कर दिए थी। आराम से एकदम आराम से आपका मतलब होल कर रहा है। देखिए देखिए आपका इतना बढ़िया से होल कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।